मुखर्जी के निधन की पुष्टि उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी। अभिजीत ने अपने ट्वीट में लिखा कि इलाज के दौरान डॉक्टर के अथक प्रयास के बावजूद भी प्रणव दा को बचाया नहीं जा सका। अभिजीत ने सभी से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए दुआ करने की अपील भी की। आपको बता दें कि प्रणव मुखर्जी के ब्रेन में क्लॉटिंग होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर ने उनका जीवन बचाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी भी की, जिसके बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो कोमा में चले गए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत को लेकर कोई शुभ समाचार नहीं पाए गए। इस बीच प्रणव दा कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाए गए, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि एक अलग मेडिकल प्रक्रिया के दौरान वो कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से भी होम आइसोलेशन हो जाने और कोरोना की जांच कराने की अपील की थी। प्रणव दा 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। प्रणव मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणव दा का जन्म पश्चिम बंगाल के मिरिटी गाँव में हुआ था। प्रणव मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। 2019 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया।